नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। बीते कुछ दिनों जब से डिजिटल युग की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे यूट्यूब चैनल्स आए, वेबसाइट्स आई, उनके माध्यम से लोगों ने पत्रकारिता करनी शुरू की। सबसे पहले ये पत्रकारिता जो की जाती थी वो जो परंपरागत माध्यम है, जैसे समाचार पत्र हुए या फिर आपके टीवी चैनल्स हुए, उन्हीं के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे। उनके माध्यम से वो जर्नलिस्ट को रखते थे और वो डिजिटल जर्नलिस्ट कहलाते थे। वो उन्हीं के विंग होते थे, प्रॉपरली उनकी अपॉइंटमेंट होती थी और उनके वेतन निर्धारित होते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, इसमें बहुत सारे प्राइवेट लोग भी एंटर कर गए जो कि कहीं से भी मीडिया के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं थे, क्योंकि डिजिटल मीडिया रजिस्ट्रेशन का कोई कानून नहीं है। फिर भी वो एक कंपनी के तौर पर अपना पत्रकारिता की एजेंसी खोलकर बैठ गए और उसके बाद में उन्होंने लोगों को हायर करना शुरू किया। ऐसे ही एक बहुत फेमस ऐप हो रही थी, उस ऐप का मैं नाम नहीं लूंगी। उस ऐप में क्या होता था, सभी लोगों को आईडी बांट दी जाती थी। आईडी भी बांटी जो जाती थी वो उसकी कुछ नियम और शर्तें होती थी। उसके बाद में उस आईडी के थ्रू वो रिपोर्टर जो भी अपनी रिपोर्ट होती थी उसे लॉगिन करके अपलोड करता था। जितनी खबरें वो अपलोड करता था उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते थे और इसके अलावा कुछ एक सैलरी भी निर्धारित थी। धीरे धीरे जब रिपोर्टर्स इसमें पूरे बेस हो गए, इसी पर आधारित हो गए, उनकी जीविका चलने लगी, तो अचानक से इस प्राइवेट ऐप ने, जो प्लेटफॉर्म है, उसने इन पत्रकारों को बिना नोटिस दिए निकाल दिया। तो ये एक बहुत ही दुखद दृश्य है कि एक व्यक्ति जो आपके ऊपर डिपेंड होकर काम कर रहा है, आपकी सारी सेवा शर्तों का पालन कर रहा है, उसे बिना नोटिस दिए अचानक से निकाल दिया जाना उसके लिए एक सेटबैक ही होगा। हमारे देश में वैसे भी पत्रकारिता के लिए जो कानून है उनका सख्ती से कहीं भी पालन नहीं होता। जो कानून पत्रकारों की सेवा शर्तों और नियमों की बात करते हैं उनमें बहुत ही आउटडेटेड और पुराने कानून है, जैसे कि अभी श्रमजीवी पत्रकार एक्ट 1958, इसके अंदर कुछ नियम और शर्तें बताई गई हैं। श्रमजीवी पत्रकार एक तरीके से मजदूरों के साथ उनकी कंपेयर की गई है कि उनको एक उनके क्या मजदूरी वेतन मान होने चाहिए वो उसके अंदर बताए गए हैं। तो भारत के अंदर पत्रकारों की दशा बहुत ही दयनीय है। फिर भी आज का युग जो डिजिटल है इसको आप अपने पावर के तौर पर यूज कर सकते हैं। जब आपके सामने एक खुला आसमान है तब आप क्यों इस तरह के प्राइवेट ऐप के चंगुल में फंसते हैं जो पहले प्रलोभन देके आपको आईडी देकर आपको अपने यहाँ काम पर रखती है और फिर उसके बाद बिना कुछ बताए निकाल देती है। तब आप ठगे से महसूस करते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपके हाथ में खुद पावर है। जो कि हम पहले भी बताते रहे हैं कि अगर आपको कहीं किसी रजिस्टर्ड मीडिया जैसे अखबार या टीवी चैनल में नौकरी नहीं मिल रही या स्ट्रिंगरशिप नहीं मिल रही तो आप खुद का अपना न्यूज वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंगरशिप के अलग नखरे और प्रोविजंस हैं, तो उसमें जाने से बेहतर है आप खुद का ही अपना स्टार्ट करें। उसको स्टार्ट करना बहुत सरल है। अगर आपके पास बहुत बड़ा बजट भी नहीं है तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में जब डिजिटल क्रांति हो रही है तो आपके हाथ में खुद शक्ति है, एक हथियार है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दूसरों के नौकर बनने से बेहतर है आप खुद अपने संस्थान के मालिक हो सकते हैं जिसको आप अपने हिसाब से चलाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको MSME के अंदर अपने चैनल का, चाहे वो YouTube पर हो या वेबसाइट के माध्यम से आप चलाते हो, उसका रजिस्ट्रेशन आपको MSME में कराना है क्लास 63 के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको एक सरकारी उद्यम का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि आपके बहुत काम का होगा। अब रही बात कि आप पत्रकार कैसे चलाएंगे, क्योंकि सारा मकड़ जाल तो इसी बात का है। ये जो प्राइवेट ऐप हैं या फिर जो रजिस्टर्ड संस्थान हैं जो स्ट्रिंगरशिप और ब्यूरोशिप के नाम पर बड़े बड़े फीस वसूलते हैं, फीस वसूले तो अलग बात है, उसके बाद में वो आपके ऊपर एडवर्टीजमेंट के भी बड़े बड़े टारगेट थोप देते हैं। होली दिवाली आ रही है तो आपको 1 लाख का या फिर 50,000 का ये विज्ञापन देना आपके लिए कंपलसरी होता है। उसके बावजूद भी आपकी रिपोर्ट्स वहाँ चलेंगी कि नहीं चलेंगी उसका कोई ठिकाना नहीं। तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स को छोड़िए, आप अपना प्लेटफॉर्म खुद शुरू कीजिए। MSME में क्लास 63 के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड कराइए। और रही बात मीडिया होने की, तो आप लीड इंडिया से मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप के थ्रू हम आपको राइट टू कवरेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आप जो है अपने अंडर में जिन लोगों को रखें रिपोर्ट कवर करने के लिए उन्हें प्रेस आई कार्ड इशू कर सके। प्रेस आई कार्ड इशू करने का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आप अपने ही नाम से काम करते हैं, आपको हमारे अंडर में काम नहीं करना, हमारे साथ आपका टाई अप होता है। तो इसके लिए आप जो है अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आपसे हमारा सिर्फ इतना ही अनुरोध है, जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में एक पत्रकार के तौर पर जाने की सोच रहे हो
तो MSME के इस ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।